से कानपुर में ग्वालटोली थाना क्षेत्र में कमिश्नर आवास के पास एक बंगले में चार युवकों ने असम की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर बाहर आई युवती ने राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले युवक भाग निकले। पुलिस को रईस जादू की कार कब्जे में ली है, वहीं युवती को महिला थाने भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कमिश्नर आवास के पास रात करीब 11:45 बजे सड़क पर एक युवती शोर मचाते हुए बंगले से बाहर आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन असम की रहने वाली युवती हिंदी नहीं बोल पाती, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जाँच कर रही है। तो देर रात असम की एक युवती से गैंगरेप की ये पूरी वारदात सामने आई है। चार रईस जादो ने अपने बंगले में ये गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से ये युवती भागी, शोर मचाते हुए बाहर आई। लोगों ने इससे बातचीत नहीं कर पाई क्योंकि भाषा और शैली का अंतर था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आशीष कुमार हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, देर रात असम की एक युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है, क्या कुछ जानकारी? आशीष, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी आशीष, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देर रात असम की एक युवती से गैंगरेप की ये पूरी घटना है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।